गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय, जिसका नाम है रिश्तों की समझ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के दो भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की थी कि परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे संयुक्त परिवार और एकल परिवार की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने कुछ रिश्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और हमने प्यारा सा वंश वृक्ष बनाना भी सीखा था, जहां हम ये जान पाए थे कि परिवार के सदस्य रोजगार यानी काम धंधा, शिक्षा और विवाह के कारण अपने परिवार से दूर भी रह रहे थे। इन सब को जानने के बाद में प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कौन किसके जैसा के बारे में। देखो बच्चों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जा रहे होते हैं और कोई व्यक्ति आपसे कहता है, अरे तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे पापा की तरह हैं, तुम्हारी नाक तुम्हारी मम्मी की तरह है। होता है ना कभी ऐसा कि हमारे जो शारीरिक लक्षण हैं वो हमारे पूर्वजों या परिवारजनों के जैसे दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि पूर्वजों के या बड़ों के या परिवार के सदस्यों के जो लक्षण, गुण, आदत और व्यवहार है वो बच्चों में दिखाई देती हैं? ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन से कारण हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आज के इस भाग में। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर चलते हैं हम संजना के पास में, जो अपनी बहन पिंकी और माँ के साथ पहुँच चुकी है अपने मामा की शादी में। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई, वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। प्यारे बच्चों, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई जैसे रिश्तों से हम परिचित हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ और रिश्ते हैं, जैसे देखो मामा। मामा कौन होते हैं? हमारे माताजी के भाई हमारे मामा लगते हैं, और मामा जी की पत्नी हमारी मामी जी होंगी। अगला जो रिश्ता है वो देखिए बच्चों, मौसी जी। मौसी जी कौन? माताजी की जो बहन है उसे हम मौसी कहते हैं, और मौसी जी के जो पति होंगे वो हमारे मौसा जी होंगे। तो अपने मामा की शादी में संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ पहुँच चुकी हैं, और उन्हीं मामा की शादी में मामा जी की दूसरी बहन जो कि संजना की मौसी होगी वो भी आई हुई है। उनकी गोद में देखो बच्चों एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, संजना बोलती है, माँ देखो ये प्यारी सी गुड़िया कितनी सुंदर है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं मौसी जी को, जिनकी गोद में प्यारी सी गुड़िया है, पास में खड़ी संजना की माँ, और संजना जो प्यारी सी गुड़िया को देख करके बहुत ज़्यादा खुश है। तो देखा आपने, संजना ने देखा मौसी जी के पास में एक प्यारी सी गुड़िया है, और अब संजना क्या कहती है तो देखो, संजना बोलती है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, इसकी नाक कैसी है? नानी जैसी। यानी मौसी की जो बच्ची है उसकी नाक नानी के जैसी है। फिर कहती है देखो संजना, आंखें इसके चाचा जी की जैसी हैं, गोरा रंग दादा जी जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। इतनी सब बातें संजना ने छोटी प्यारी गुड़िया को देख करके बताई। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ कुछ विचार किया, जो छोटी गुड़िया है मौसी जी की लड़की, उसमें जो शारीरिक लक्षण है जैसे उसकी नाक, उसकी आंखें, उसकी त्वचा का रंग जो कि गोरा है, ये परिवार के सदस्यों से मिलता जुलता है। यानी कि जैसे हम देख पा रहे थे नाना नानी जी, चाचा जी और दादाजी के जो गुण हैं, शारीरिक गुण हैं, वो छोटी गुड़िया में दिख रहे थे। साथ ही साथ बच्चों में यहाँ ये भी पता चला कि छोटी गुड़िया के भाई के जो चेहरे का रंग है वो हल्का सांवला है। यानी कि जो बहन है वो गोरी है और भाई है वो हल्का सांवला है, दोनों में अंतर भी है। तो बच्चों इस आधार पे आप लोग कुछ समझ पाए, हम ये समझ सकते हैं ना कि परिवार के सदस्यों के जो गुण, लक्षण, आदतें हैं वो बच्चों में आती हैं, और ये जरूरी नहीं कि भाई बहनों के समस्त लक्षण, समस्त शारीरिक गुण आपस में मिले। जैसा कि यहाँ देखा हमने, छोटी गुड़िया गोरे रंग की है, उसका भाई हल्के सांवले रंग का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आगे संजना ने अपनी माँ से पूछा, मामा मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है। अरे बच्चों, मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, आप दाएं से लिख रहे हैं या बाएं से, आपको पता है। यहाँ पे अंजलि जो कि संजना की कक्षा में पढ़ती है वो बाएं हाथ से लिख रही है, और साथ ही साथ देखो बच्चों उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। तो संजना ने उससे पूछा अंजलि से, अंजलि
तुम बाएं हाथ से लिखती हो और मैं दाएं हाथ से लिखती हूँ, तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिख पाती हो? तो अंजलि बताती है, मैंने कोशिश खूब बार की, उसने कहा मैं मेरे सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ, मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास भी किया परंतु लिख नहीं पाती हूँ। इतनी बात हमें संजना ने अपनी माँ के थ्रू बता दी, उन्होंने माँ को बताया अंजलि के बारे में और हमें भी अंजलि की जानकारी मिल चुकी है। तो देखा बच्चों आपने, बच्चों में जो शारीरिक गुण हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्य करने का, हाथों से लिखने का जो शारीरिक लक्षण है वो अलग अलग हो सकता है। जहाँ पर संजना दाएं हाथ से लिख रही है, अंजलि बाएं हाथ से लिख रही है। तो देखो बच्चों, हमें ये पता चला कि जो गुण, आदतें, लक्षण और व्यवहार हैं, यानी कि देखो परिवार के सदस्यों के जो गुण, लक्षण, आदतें, व्यवहार, ये सभी अपने माता पिता, नाना नानी या दादा दादी से बच्चों में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ये पता करना है कि आपका चेहरा, आँख, नाक, बाल परिवार के किस सदस्य के जैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका चेहरा आपके पिताजी की तरह है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पिताजी, देखा ना, ऐसे आप सभी इस टेबल को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा कि जो गुण, लक्षण, आदतें, व्यवहार हैं वो पूर्वजों से या बड़ों से बच्चों में आती हैं। पर प्यारे बच्चों, एक बात और है, आदतें, देखो आदतें कैसे, जैसे बात करना, चलना, उठना, बैठना, खाना खाने का तरीका, ये वो आदतें हैं जो बड़ों से बच्चों में आती हैं। और आपको भी यहाँ पे ये पता करना है बच्चों कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती हैं और उसे अपनी इस टेबल में लिखना है। जैसे अगर आपका बात करने का तरीका अपनी माताजी की तरह है तो आप यहाँ लिखेंगे माताजी, और अगर आप चलते अपने दादाजी की तरह हैं तो यहाँ लिखेंगे दादाजी। ऐसे ही आप इस सारणी को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि परिवार के जो पूर्वज या बड़े हैं, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी हैं, उनके गुण, लक्षण, आदतें और व्यवहार बच्चों में आती हैं। तो कभी आपने सोचा है ये क्यों आती हैं या इनके पीछे क्या कारण है, या फिर जो ये कारण है इसको सबसे पहले किसने लोगों को बताया होगा, इसकी खोज किसने की होगी, इसके बारे में भी तो हमें जानकारी प्राप्त करनी है ना। तो चलो बच्चों, जानते हैं हम आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। देखो बच्चों, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो बच्चों में अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से आते हैं, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो आया कुछ समझ में? आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से बच्चों में आते हैं, इसीलिए इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, इन्हें वंशानुगत लक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वंश में आते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। देखा ना आपने, दादा दादी से माता पिता में और माता पिता से उनके बच्चों में ये लक्षण आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें वंशानुगत लक्षण भी कहा गया है। साथ ही साथ देखो बच्चों, यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बताया ना मैंने, ये लक्षण कैसे चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। पर बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि हमारे आसपास जैसा वातावरण, जैसा माहौल है, उसमें भी होने वाली कुछ आदतें या परिवर्तन हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आते हैं। परंतु बच्चों, इन्हें हम कौन से लक्षण नहीं कह सकते, वंशानुगत लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें आसपास के वातावरण से मिले हैं, ना कि हमारे वंश से यानी पूर्वजों से मिले हैं। अब बच्चों, आपने ये देखा, हमने आनुवांशिक लक्षणों के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। परंतु बच्चों, अभी तक हमें ये पता नहीं चला ना, इन लक्षणों के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी या किस व्यक्ति ने सबसे पहले आनुवांशिक लक्षणों के बारे में सबको बताया था। तो चलो बच्चों, जानते हैं अब हम आनुवांशिकी का जनक कौन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है प्यारे से,
ये हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। अब इन्होंने कैसे खोज की थी या इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था वो भी जाने। तो देखो यहाँ पे हम दूसरी इमेज में देख पा रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो मटर के पौधे पे प्रयोग कर रहे हैं। तो आया कुछ समझ में? क्या समझ में आया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए थे। तो आ गया ना हमें समझ में कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अनुवांशिकता के सारे नियम प्रतिपादित किए थे, इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने किस पौधे पर अपने सारे प्रयोग किए थे बच्चों? इन्होंने हरे मटर के पौधे पर अपने सारे प्रयोग किए थे। पर क्या बच्चों एक ग्रेगर जॉन मेंडल ही ऐसे थे जिन्होंने अनुवांशिकता का प्रतिपादन किया, या कोई और भी व्यक्ति था जिसने अनुवांशिकता पर अपने कई सारे शोध किए थे? तो अब हम मिलने वाले हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना से। तो देखो बच्चों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई सारे शोध पत्र लिखे थे। शोध पत्र का मतलब बच्चों ये होता है, जब भी कोई वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है तो वो अपने किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को पत्रों का रूप देते हुए चलता है, जिसे शोध पत्र कहा जाता है। मतलब कि उसने जो भी अनुसंधान किया है उसकी सारी जानकारी उन पत्रों में होती है। और ऐसे ही कई सारे शोध पत्र जो वंशानुगत के जो नए गुण लक्षण थे उनके आधार पे थे, ये किसने निर्मित किए थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अब बच्चों जब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इतना बढ़िया काम किया था तो इन्हें कोई ना कोई प्राइज, कोई ना कोई पुरस्कार तो मिलना चाहिए था ना। तो इसीलिए देखो बच्चों इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहां हम मिल पा रहे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना से। तो देखा ना बच्चों आपने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को अपने किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि डॉक्टर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, पर ये नोबेल पुरस्कार होता क्या है, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों अब हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। और यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं ना इमेज, ये बच्चों नोबेल पुरस्कार की इमेज है, सबको ध्यान से दिख रही है ना, ये नोबेल पुरस्कार है। और इस पर है सर अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया था। और ये बच्चों देखो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में बढ़िया काम करता है, अच्छा उत्कृष्ट काम करता है, तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले ये 1901 में दिया गया था। तो देखा हमने जानकारी प्राप्त कर ली नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो प्यारे बच्चों हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो क्यों ना कोई आसान से छोटे से प्रश्नों को हल किया जाए। तो चलो देखते हैं, अब चर्चा कीजिए और बताइए। में प्यारे बच्चों आपने कभी सोचा है कि जैसे जानवर होते हैं क्या वो भी अपने बच्चों को पहचान पाते हैं? तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो यही है। देखो गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? आपने भी सोचा होगा ना कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती होगी? तो देखो बच्चों गाय अपने बछड़े को देखकर, सूंघकर या चाटकर पहचानती है। और हमने देखा भी है कई बार जब गाय का बछड़ा गाय के पास आता है तो उसे दुलार से चाटती भी है, सूंघती भी है, और उसे देख करके वो पहचान लेती है कि ये तो मेरा बछड़ा है। इसी तरह जो बच्चों अगला प्रश्न है वो है आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? अब बच्चों हमारी माँ हमें भीड़ में कैसे पहचानेगी? वो हमें हमारी भीड़ में, मतलब भीड़ में वो हमारा चेहरा देखेगी और हमें पहचान लेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारी माँ भीड़ में हमारा चेहरा देख करके हमें पहचानती है। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों से हम क्या समझ पाए? इन प्रश्नों से हम ये समझ पाए कि वास्तव में प्रत्येक जीव में माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे
कुछ गुणों में उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि माता पिता के समस्त गुण ही बच्चों में आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि माता पिता के कोई भी गुण बच्चों में नहीं आएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। माता पिता के गुण बच्चों में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, और साथ साथ बच्चों यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर बच्चों जुड़वा बच्चे देखे हैं ना ट्विंस आपने, अगर दो बच्चों का जन्म एक साथ हुआ है तो भी उनमें गुण लक्षण आदतें व्यवहार आपस में अलग अलग हो सकती हैं, और यही तो है गुणों और लक्षणों की विभिन्नता। तो देखा बच्चों आज के इस अध्याय में हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो चलो एक बार देखते हैं कि इस अध्याय से हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो बच्चों हमने ये जानकारी प्राप्त की अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। देखा था ना हमने कई सारे कारण जिनके कारण संयुक्त परिवार और एकल परिवारों का निर्माण हो रहा था, जहाँ सदस्यों की आदतें, आय व्यय करने की क्षमता, सदस्यों का आपसी मनमुटाव, सदस्यों की संख्या, ये वो कारण थे जिनसे संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार में बट रहे थे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ताऊ जी का कुछ अलग रोल था, चाचा जी का कुछ अलग रोल था, हमने देखा था ना दादाजी की कुछ अलग भूमिकाएं थी। तो बच्चों परिवार में हर सदस्य की जो भूमिका होती है वो अलग अलग होती है। साथ ही साथ हमने ये जानकारी प्राप्त की कुछ लोग गोद लेकर बच्चों का पाल पोष कर बड़ा करते हैं। देखा था ना हमने कानूनी संरक्षण प्राप्त करना, किसी बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना ही गोद लेना कहलाता है, और गोद लेकर के भी बच्चों को पाला पोसा जाता है। और हमें ये भी पता चला था ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर कई सारे प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम निर्धारित किए थे, इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा गया था। और हमें ये भी पता चला कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखा था ना हमने नोबेल प्राइज जो किन इतने सारे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, वो हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी वंशानुगत के नए गुणों का निर्धारण करने के लिए दिया गया था। तो प्यारे बच्चों देखा ना आपने आज के इस अध्याय से हमने रिश्तों की कितनी अच्छी समझ बनाई, साथ ही साथ हमने कई सारे उन कारणों को भी जाना जो रिश्तों को और मनुष्य के गुण लक्षण शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, उन सभी लक्षणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो चलो बच्चों देखते हैं अब आज की शिक्षा, और आज की हमारी शिक्षा है रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। तो देखा बच्चों कितनी प्यारी लाइन है, जो रिश्ते हैं वो अनमोल हैं, मतलब कि उनका कोई मूल्य नहीं होता। क्या हम मोल दे करके या मूल्य दे करके रिश्ते खरीद सकते हैं? क्या आप कभी पैसे दे करके मम्मी पापा खरीद सकते हैं, चाचा चाची ताऊ ताई जैसे रिश्ते खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद पाते ना। तो बच्चों इसीलिए रिश्तों को अनमोल कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि हमें इनका मोल समझना चाहिए और हमें हमेशा परस्पर प्रेम से रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि परिवार का हर सदस्य खुश रहे। तो प्यारे बच्चों आज के इस भाग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।